तो चलिए बच्चों, रियल नंबर में आगे के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं, उसके बाद एचसीएफ निकालना सीखा, उसके बाद एलसीएम निकालना सीखा, एचसीएफ को ईडीएल और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों से निकालना सीखा, उसके बाद एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना सीखा, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम हमने किया एचसीएफ और एलसीएम पे, और लास्ट टॉपिक कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इतना कोर्स हम कवर कर चुके हैं अब तक के क्लासेस में। अब आगे की क्लासेस में चलते हैं, और आपके पास दो टॉपिक रह गया है। एक टर्म रह गया है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, और जो दूसरा टॉपिक रह गया है वो आपका रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो पहले आसान टॉपिक देख लेते हैं इसको कि क्या होता है। तो देखिए टर्मिनेटिंग बच्चों क्या होता है, जब भी वो रैशनल नंबर जो टर्मिनेट हो जाए यानी जिसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाए। जैसे क्या है कि सपोज करिए हमने ये लिख दिया 4/5, तो जब हम इसको डेसिमल में बदलेंगे, 9th में आपने पढ़ा है, डेसिमल में जब आप इसको बदलेंगे तो ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.8। तो टर्मिनेटिंग का ये मतलब होता है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे ये करते जाए तो इसमें पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ये आगे तक डिवीजन होता जाएगा, तो हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, टी से दिखा देते हैं, और जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एनटी यानी नॉन टर्मिनेटिंग से दिखाते हैं। तो 9th में बच्चों क्या था कि आप डिवाइड करके पता करते थे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अब थोड़ा सा क्लास आपका बढ़ गया है तो थोड़ी अच्छी चीजें आनी चाहिए। तो उसी लिए सीबीएसई ने क्या किया है, इस बार कहा है कि आप डिवाइड मत करिए, मतलब एक्चुअल डिवीजन मत परफॉर्म करिए, फिर भी बताइए कि कोई रैशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग है कि नहीं, कोई रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो उसके लिए बच्चों एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी बुक्स में भी थ्योरम के फॉर्म में लिखा है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोई भी रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा जब उसका डिनोमिनेटर यानी क्यू हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, 2m/5n के फॉर्म में लिख लेंगे, जहां पे यम और एन क्या है, नेचुरल नंबर है। और अगर डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे तो हम कहेंगे कि वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया, समझ में नहीं आया होगा तो आप ऐसे समझिए कि अगर कोई रैशनल नंबर दिया है तो आप पहले उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम बना लेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम बनाने के बाद अगर उसमें 2 आए या फिर 5 आए या दोनों आ जाए, तब हम उसको कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है, और अगर इनमें से कुछ नहीं आएगा तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, हमको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, या के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, तो इसको हमको बताना था कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो हमने क्या किया, 13 न्यूमरेटर से हमको कुछ लेना देना है नहीं, हम डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम बनाएंगे। तो हमने क्या किया, 3, 1, 2, 5 का एलसीएम बनाया। तो एलसीएम बनाना आपको आता है, एलसीएम हमने बना लिया, फिर एलसीएम बनाया, फिर किया और फिर किया। तो यहाँ पे जो आया है 1, 2, 3, 4, 5 यही हमने लिख दिया है। अब इसका डिनोमिनेटर जो है 5 के पावर के फॉर्म में लिखा गया है, यानी हम इसको ऐसे देख सकते हैं, यानी यन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है। तो हमने कहा कि अगर डिनोमिनेटर में 2 आए या डिनोमिनेटर में 5 आए या डिनोमिनेटर में दोनों आए, तो हम उस रेशनल एक्सप्रेशन को कहेंगे कि वो आपका क्या है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और जब इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, आपका टर्मिनेटिंग है। यानी कि जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो डिवीजन पूरा चला जाएगा। उसी तरीके से देखें यहाँ पे 2 का मल्टीपल है बच्चों, तो 2 का मल्टीपल हमने कहा है या फिर कहा है कि 5 का मल्टीपल या दोनों का हो, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, यानी ये भी क्या हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग। अब देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए, ये वाला आप सेल्फ से कर लीजिएगा क्योंकि आसान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना तो 2 का मल्टीपल है ना ही 5 का मल्टीपल है, मतलब ना तो 2 आया है ना 5 आया है, ना दोनों आए हैं, केवल क्या आ गया है, 7। यानी कि इसमें इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो जब इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा तो हमने लिखा है कि वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका
नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों हमने क्या किया, डिवाइड भी नहीं किया और हमको पता चल गया कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का रैशनल एक्सप्रेशन दिया रहेगा, रैशनल नंबर दिया रहेगा, तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम बना लोगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम बनाने के बाद अगर वो इस फॉर्म को फॉलो करेगा तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और अगर इस फॉर्म को फॉलो नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही, आगे की क्लासेस में और चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।